देख हम आए थे आचार संहिता का एक केस है हमारे ऊपर, बहुत पुराना केस है 2007-08 का। उसी केस में आज हाजिरी देनी थी कोर्ट में, इसी कारण से हम आए थे, कुछ पॉलिटिकल कारण नहीं था आने का। टिकट की मांग हो रही है क्या यहाँ के लोगों के द्वारा? टिकट की मांग, चुनाव है, चुनाव का वक्त है, स्वाभाविक है टिकट की मांग क्यों नहीं होगी। टिकट की मांग नहीं होगी तो आप ही लोग कहिए कि ऐसी पार्टी है जिसके लिए कोई टिकट मांग। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण RLSP की यहाँ के इस चंपारण क्षेत्र में आया है, क्या कैंडिडेट का आज हो सकता है घोषणा आपके तरफ से भी? क्योंकि आज सीट हमारे खाते में, पांचों सीटों की घोषणा एक साथ हम पटना से करेंगे। ताराकाट को लेकर पहले जो मचा हुआ था उसका निदान निकल गया था, कौकब कादरी भी अड़े हुए, पूर्वी चंपारण सीट को भी लेकर के हुआ वो की मीडिया के लोग सब स्थिति बनाए हुए थे। आप क्लियर कर दीजिए ना, कोई स्थिति नहीं थी ऐसी। महागठबंधन एकजुट है, बिल्कुल पूरे तौर पे एकजुट है। बाहरी भीतरी का जो बात चल रहा है उस पर क्या कहना चाहिए? इसमें बाहरी है कौन, भीतरी है? तेज प्रताप की पार्टी है महागठबंधन। तेज प्रताप अलग राग आलाप रहे हैं, इसको लेकर ऐसा नहीं लगता कि महागठबंधन मामला हम लोगों से रिलेटेड नहीं है। जल्दी कर दो, मोतिहारी में किसको लड़वाएंगे सर? ने कहा कि घोषणा एक साथ करेंगे, हम कब तक कर देंगे? जल्दी करेंगे। बीजेपी बहुत सवाल कर रही है कि लेट हो रहा है, जनता हमसे सवाल करेगी उसका जवाब हम देंगे, आप क्यों परेशान? सर कृति आजाद का अब क्या होगा? यदि कांग्रेस पार्टी से पूछिए इसमें हम कहां है? बेतिया जा रहा है तो बेतिया आपकी सीट हो रही है। अब इसका ठिकाना हमारे पास है ना आपके पास है, ये कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी निपटेगी। मोतिहारी में क्या होगा? फ्रेंडली भी चुनाव होगा क्या? फ्रेंडली भी लड़ेंगे क्या आप लोग? जब सीट की घोषणा हो गई सब तो इसमें फ्रेंडली आप लोग चाहते हैं? जिसे अभी घोषणा हो रही थी कि कृति आजाद को बेतिया कभी दरभंगा कभी कहीं कभी दरभंगा तो राजद ने ले लिया। घोषणा नहीं हो रही थी, आप लोग कर रहे थे, बिटिया वाले लोग कर रहे थे। के अंदर कोई कंफ्यूजन, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, हम लोग की पार्टी हो, वीआईपी मांझी जी की पार्टी, किसी में कोई कंफ्यूजन कभी न रहा है, न आज है, न आगे होगा। अब मीडिया के बंधु कंफ्यूजन फैलाते हैं तो मीडिया तो अब आज मालिक है। यहाँ सर तीन आदमी के नामों की चर्चा हम लोग सुन रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अखिलेश जी के पुत्र और माधव आनंद जी, और फिर एक पप्पू दुबे जो है के बारे। सर इस पर कुछ कहना चाहेंगे तो बता दीजिए। इसमें चौथा नाम आप अपना भी जोड़ लीजिए तो हम जोड़ लेंगे। लेकिन माधव आनंद तो घूम रहे थे जनता के बीच जा रहे थे, उनका तो दावा था कि आपका आपसे हरे झंडे घूमने पर, हिंदुस्तान स्वतंत्र देश है, जिसको जहां मन होगा घूमेगा, आएगा जाएगा, इसमें आप कैसे? उनका दावा था कि आपने हरे झंडे दिखाई थी उनको। आप यहां दावा किया था क्या? यहां पे दावा किए थे। आप जानिए हमसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। बेतिया सीट को लेकर के राजेंद्र तिवारी ने घोषणा कर दिया कि हम किसी भी हालत में निर्दलीय भी लड़ेंगे चुनाव। उससे रिलेटेड कहाँ क्वेश्चन है? आपके पास चला गया है भैया, मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। महागठबंधन में है तो जिम्मेवारी बनती है ना, आखिर कहाँ जाएंगे वो कांग्रेस ज्वाइन किए तो फिर अब कहाँ जाएंगे? जिम्मेवारी जिसकी बनेगी वो देखेगा, आप क्यों परेशान है?